राह क्राप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कनई किसानों की एक उत्पादक संस्था है, जिसका गठन 19 राज्यों के 250 किसानों ने 22 से 26 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के ग्राम कनई में उपस्थित होकर सामूहिक निर्णय के आधार पर गठन किया है। कंपनी इस खरीफ सीजन में धान की उन्नत प्रजातियां विक्रय के लिए प्रस्तुत कर रही है। हमारे पास धान की एक मोटी प्रजाति राह 1010 है, जो 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राह 1001 है, जो 140 दिन में पकने वाली धान की मोटी प्रजाति है। तीसरी धान की प्रजाति है राह स्वर्णा, जो 130 दिन में पकने वाली धान की मोटी प्रजाति है। चौथी बारीक और सुगंधित धान की प्रजाति है विष्णुभोग, यह खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है, चावल मुलायम और खुशबूदार होता है। 3 फीट की ऊंचाई में मात्र 130 दिन में पकने वाली धान की यह रिसर्च प्रजाति है। इसके अलावा चौथी और पांचवी वैरायटी राह रेड राइस और राह ब्लैक राइस है। राह रेड राइस औषधि गुणों वाली बारीक सुपरफाइन प्रजाति है, जो 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। राह ब्लैक राइस धान की मोटी प्रजाति है, जो मात्र 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह शुगर फ्री वैरायटी है, इसीलिए इस प्रजाति को खेती में लगाने और इसके चावल को खाने का प्रचलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। हम इन बीजों के साथ प्राकृतिक खेती शोध संस्था बालाघाट के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर खेती करते हैं, अर्थात जीवाणु घोल बनाते हैं। इस जीवाणु घोल को कृषि भूमि में डालते हैं, फसलों पर स्प्रे करते हैं और प्राकृतिक खेती शोध संस्था के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अपनाकर खेती करते हैं, तो हमें हरी भरी स्वस्थ और शानदार उपज प्राप्त हो जाती है, बाली की लंबाई अच्छी रहती है। आइए हम ऐसे कुछ किसानों से आपको मिलवाते हैं। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी। और इस धान के खेत पे खड़े हैं सिवनी जिले के छपारा के श्रीपाल जी। श्रीपाल जी, धान की खेती आपने काफी देखी है जी, पर ये जो जैविक धान है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
कोई तोड़ नहीं सर, ये सबसे शानदार धान देखने को मिली अभी तक, हमने ऐसी धान नहीं देखे। अच्छा, इस हाइट की देखे, और इस हाइट में धान आने के बाद गिर जाएगी, लेकिन ये धान अभी तक गिरी भी नहीं। अच्छा, अभी आप देखिए इनमें बालियों में कहीं कोई जो पोचापन दिखता है कि बालियों में दाने भरते नहीं हैं, इसमें आप दाने तो कहीं ऐसे दिख नहीं रहे हैं जो पोचे हों? भरपूर है। बाली की लंबाई? बाली की लंबाई बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। सचिन कासल जी, आप तो बालाघाट के हैं और आपने कई तरह की धान की जो है खेती देखी है, इसकी उपज आपको कैसी दिख रही है? बिल जी भाई, मेरी खुद की 70 एकड़ में धान रहती है और मैं 20 साल से ये खेती वगैरह का काम देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतनी शानदार धान मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी। और जो धान की खेती के विशेषज्ञ माने जाते हैं बालाघाट जिले में, मैंने बालाघाट जिले के किसी भी कृषक को इतनी शानदार फसल लेते अपनी आंखों से तो नहीं देखा। तारीफ़ काबिल है ये अमित भैया शर्मा जी गाडरवारा वाले, इनका जो प्रयास है जैविक कृषि में बिना फर्टिलाइजर के इन्होंने जो यील्ड ली है, ये निस्संदेह आपके मार्गदर्शन में इन्होंने जो खेती की है वो बहुत तारीफ़ काबिल। धान के कृषकों को सीख लेना चाहिए कि बिना फर्टिलाइजर के किस प्रकार उम्दा फसल ली जाती है, ये एक बहुत उम्दा उदाहरण है। अमित जी, आपने इस धान की फसल में क्या क्या डाला है? इसपे मैंने 5 बार पानी के साथ सजीव जल डाला है और 2 बार स्प्रे किया है मैंने आपका सजीव जल और सडरस का, और 1 बार बिल्व रसायन का प्रयोग किया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यदि पूर्णतः पूरे मन से यदि हम जो है सजीव जल, जीवन द्रव्य, रस रसायन, भस्म रसायन और सडरस डालें तो धान बहुत शानदार उपज आएगी। इतनी अच्छी खेती रासायनिक खेती करने वालों की भी नहीं आएंगी। जय 22 सितंबर 2017, और अभी हम हैं नरसिंहपुर जिले के गर्धा ग्राम के कृषक राजेंद्र कौरव जी के फॉर्म पर। राजेंद्र जी, आपने जो है इसमें शुरू से क्या क्या किया, ये जैविक आपका धान है, इसमें क्या क्या गतिविधि रही है? शुरुआत में इसमें हरा खाद देने के लिए ढांचा बोया हमने, ढांचा बोया उसमें मक्का बोया कुछ मिला के 40 से 45 दिन में मिला दिया हमने उसको पूरा। उसके बाद मचा के इसने धान रोपा लगा दिया, रोपा लगा दिया। उसके बाद गोबर खाद डाला हमने उसमें, डीकम्पोस्टेड जीवाणु कम्पोस्ट खाद, डीकम्पोस्टेड खाद डाला लगभग तीन ट्राली खाद डाला। उसके बाद सजीव जल डाला उसमें, सजीव जल कितने बार? 3 से 4 बार सजीव जल। अच्छा, 3 से 4 बार सजीव जल। और क्या डाला है? बिल्व रस डाला इसमें। बिल्व रसायन आपने डाला, सडरस? सडरस भी डाला इसमें। अच्छा। एक एक बार डाला सडरस, बिल्व रस एक बार डाला। सडरस और बिल्व रसायन एक एक बार डाला है। हम देखते हैं बिल्कुल लीफ एकदम बिल्कुल हरी कच्च है, और मस्ट का भी स्प्रे किया था उसको करने वाले थे। हाँ, श्री रसायन का भी स्प्रे किया। जी जी, ठीक है। और आप देखिए बिल्कुल कहीं कोई बीमारी नहीं है। तो अभी आप देखिए कि केमिकल फार्मिंग में कई तरह की बीमारी आती, इसमें कहीं कोई बीमारी दिख रही है क्या? नो, नथिंग, नो पेस्ट, नो डिसीजेस। एवरी क्रॉप इज वेरी हेल्दी। ओके, थैंक यू। यस मिस्टर रामू, आपको कैसा लगा ये क्रॉप? ऑर्गेनिक में कैसा, मतलब इतना बढ़िया आपके यहाँ आंध्रा में कैसा आता है, यहाँ कैसा लगा? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में जो बोया है धान, यहाँ हमें लग रही है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो हरी खाद ज्यादा डाला है शुरुआत में, ये भी एक कारण होगा, ज्यादा ग्रीन मैन्यूर है इसमें। सामान्य ऑर्गेनिक फार्मिंग, और चूंकि इन्होंने ये बिल्व रसायन, सडरा, श्री रसायन डाला हुआ है, इसका क्या कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको? देखना है, सिर्फ फसल देखा तो अच्छा लग रही है, क्रॉप लुक्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड। थैंक यू। नंबर ऑफ टिलर्स आर ऑल्सो वेरी गुड एंड आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 55 to 60 बैग्स। मिस्टर रामू आंध्र प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित सत्यमेव जयते धारावाहिक में आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। राह कंपनी के इन बीजों को आप हमारे मार्केटिंग टीम के सेल्स ऑफिसर और डेवलपमेंट ऑफिसरों से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजकर इन ऑफिसरों को उसका स्क्रीनशॉट भेजें और अपना
ऑर्डर सुनिश्चित करें। कोई भी एक उत्पाद खरीदते ही आप किसानों के इस संगठन की अर्थात राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्राथमिक सदस्य हो जाएंगे। कंपनी आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस